तो यार ये देखिए कितने गरीब आंटी है मालवीय नगर, एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। यहीं इनका ठिकाना है, यही इनकी रोजी रोटी है, यहीं से ये जो भी पैसे कमाती हैं 200 100 150 रुपये, उन्हीं से उनका घर चलता है। तो इनसे हमने बात की कि इनका घर कैसे चलता है और वो मतलब उनके घर में कितने लोग हैं और कैसे वो मतलब कमा कर अपने घर को पाल रही हैं। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या आंटी का रहता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं आपके अपने वी व्लॉग्स। आप सोच रहे हो आज हम इतने शांत क्यों हैं यार, क्योंकि ना आज हम यहाँ से निकल रहे थे मालवीय नगर रोड से मेन मार्केट के पास, तो हमने देखा एक आंटी यार पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। यार ढाबा का ढाबा तो देखो बहुत हो गया, उन्होंने खुद बोला है कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करो, तो कोशिश करो और भी लोगों की हेल्प करो। बाबा तो दिखाते हैं क्या है यार, बाबा को बहुत ज्यादा रीच मिली है, वो सब आपको पता है। हम निकल रहे थे, हमने आंटी को देखा, आंटी पेड़ के नीचे बुजुर्ग आंटी है, इनकी उम्र मेरे हिसाब से 60-65 साल होगी। पूछ लेते हैं इनका नाम वाम और कैसे ये कमाते हैं क्या करते हैं। चलो देखो ये है यार आंटी, ये यहाँ पे खाना बना रही है और मतलब ये सब्जी वगैरह लेके बैठी है। आंटी कितना टाइम हो गया आपको? 35 साल हो गए। आंटी कितने साल से हो? 35 साल से। 35 साल से आंटी। और आंटी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो भैया 60 साल करीब हो रही है। 60 साल की उम्र है आंटी की। यार देखो लेडी है, 60 साल की लेडी कमा रही है, वो भी 35 के नीचे बैठ गया। 35 साल हो गए, 60 साल आंटी की उम्र है। तो आंटी क्या चल रहा है आपका, कितना कमा लेते हो आप? मैं कुछ भी नहीं कमाती भैया आजकल, सब कुछ भी नहीं है। ये देखा 200 रुपए की दुकानदारी नहीं हुई है मेरी। तो आप क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ है या हमेशा ही ऐसा चला? हमेशा हो भी रहा था, पर अभी लॉकडाउन के बाद तो कुछ भी नहीं गया था। मेरे को 6 दिन का लॉकडाउन में तो खोली नहीं, क्यों नहीं बैठना नहीं बैठना कर रहे यार गरीबों के लिए बहुत दिक्कत। अभी इतनी दिक्कत है, आने जाने की परेशानी है, और बस हम 20 सवारी से 21 नहीं बैठाते हैं। कभी वहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ, इस पास में नहीं रहते? नहीं मैं गोविंदपुरी रहती हूँ। गोविंदपुरी से आते हो? गोविंदपुरी से आंटी मालवीय नगर आती है। बस आती है? कितने बजे आते हो? वो आती मैं घर से 4:30 बजे आती हूँ, 5 बजे बस। यहीं पे आके बनाते हो आप? नहीं यहीं आके बनाती हूँ मैं घर से कुछ नहीं। यार देखो यार एक बार पेड़ वेड़ के आंटी नीचे बैठी हुई, देखो एक बार कैसे, देखो तिरपाल लगाई हुई आंटी ने, तिरपाल के नीचे आंटी बैठी है। मतलब कितना बुरा लगता है यार ये सब देख कर। क्या क्या बनाया आंटी आपने? दाल पालक बनाया, चावल बनाई, रोटी बनाई है, दूध आता है, चाय की दुकान बनी है। अच्छा तो चाय बेचती है आंटी अभी। वैसे आप ये सामान बाकी और भी बनाते हो या अभी यही बना? अभी तक एक सब्जी एक दाल बनाती थी, पर अब तक कुछ भी, जब से लॉकडाउन है काम नहीं है यार, वो वेस्ट जाए, तो इसलिए आंटी अभी कम ही बना रही है। बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है आंटी का। देखो यार मतलब 35 साल हो गए और आंटी कह रही है कि अभी तक उन्होंने 200 रुपये भी नहीं कमाया, सुबह से अभी 2-3 बज रहे हैं। इनकी राइस देखो, चावल देखो, ये चावल बनाया आंटी ने। अच्छा, पालक वाली दाल बनाते हैं ये दाल पालक, क्यों दो तो बनाने से बिकता है नहीं, क्या करूँगी मैं? दो दिखने में ही लग रहा है कि कितना लाजीज है, और दुकानदारी है नहीं, ये बच्चे का भी घर जाएगा, बच्चे खाएंगे। तो यार यही है कि थोड़ा माहौल अभी भावुक है, बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। बाबा के ढाबे पे तो आपने बहुत भीड़ लगा ली, मैं ये नहीं कहता आप यहाँ तक भीड़ लगाओ, पर मैं ये कहूँगा आंटी की हेल्प जितनी कर सकते, जितनी हो सके यार, पैसों से। मैं पेटीएम की लिंक, पेटीएम का नंबर सब कुछ दूंगा, आप इनको डोनेट करें, इनको आप डोनेट करेंगे, हम आंटी के पास आएंगे, आंटी को हम डोनेट करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ हेल्प करो आंटी, सुबह 4:30 बजे से लगे और उन्होंने 200 रुपये भी नहीं कमाया अभी तक, मतलब कितनी बुरी बात है यार। बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट करो, अगर बहुत सारे लोग कुछ छोटा छोटा अमाउंट भी देंगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और वो आंटी की हेल्प करेगा। तो आप देखो आंटी कह रही है कि पहले मैं कहीं और बैठा करती थी। आंटी कहाँ बैठते थे पहले? मैं पहले उस कोने से बैठ रही थी, फिर डेसू के आगे बैठी, डेसू के आगे से उस कोने पे बैठी, उस कोने से भी यहाँ को आपको बैठने नहीं दिया उन्होंने, क्यों? फिर ये दुकानें बन गई, वहाँ डेसू वाले ने बैठने, मतलब मेहनत देख रहे हो कितनी है, पहले एक कोने में बैठो फिर कहीं और भेज देते हैं फिर कहीं और। बच्चा है, लड़का है, उसको भी आजकल काम है नहीं, घर में बैठा हुआ है, बेटे को काम नहीं, देखो बेटा नहीं है, आंटी कमा रही है अगर तो बेटे की आंटी शादी हुई है, शादी है, बच्चे हैं, उसके पर काम नहीं मिल रहा आजकल लॉकडाउन से, काम पाल रहे हो घर को, क्या करेंगे अभी, कब पालना पड़ेगा? 60 60 रूम कोई काम काम है नहीं, कोई रख ही नहीं रहा, करता तो ड्राइवर ही है, मिल नहीं रहा काम। चलो आंटी आप हमें क्या खिलाओगे? यही जो बनाएगा यही खिलाएंगे। ठीक है हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा दो आप, हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर लोगों तक बात पहुंचा देंगे आपका खाने में क्या टेस्ट है क्या नहीं, लोग फिर पता करेंगे और आपके पास आएंगे। और ये कहाँ पर है मैं बता देता हूँ आपको, पास में यम यम आउटलेट है, जो मालवीय नगर में रहता है उन्हें तो ईजीली पता है, और सामने DSU ऑफिस है, बिजली का कोई ऑफिस है उसके पास में, मेन मार्केट के पास में जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड का कोई ये ऑफिस है, और इनके पास में एक पीपल के पेड़ के नीचे आंटी बैठी हुई है। तो आप कोशिश करो, आओ हेल्प करो जितनी कर सकते हो, हम आपको टेस्ट दिखाते हैं आंटी। आप सबसे रिक्वेस्ट है यार जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, आंटी की हेल्प करो, बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ देख के कि 35 साल हो गए आंटी को और 200 रुपये उन्होंने अभी तक नहीं कमाया। कोई भी प्लान नहीं था वीडियो का, वो तो मैं गया, मेरी नज़र गई कि आंटी देखो कैसे बैठी है, 2-4 घंटे लगे। बाबा की बहुत हेल्प हो गई, जो लोग बाबा की हेल्प कर रहे हैं अब थोड़ा आंटी पे भी नज़र डालो यार, देखो
यहाँ आओ, टेस्ट करो, जो हेल्प हो सके। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक आंटी बैठी हुई है, आंटी इतना अच्छा खाना बना के आई है और आंटी की मतलब कुछ काम नहीं हो रहा, कैसे अच्छा लगेगा यार ये सब देख कर। दो किलो आटा, आटा देखो कितना गूंदा है और कितना पड़ा है, 3 बज रहे हैं अभी, चावल वैसे के वैसे पड़े हैं, देखो बिकने वाला नहीं, सही नहीं हो रहा यार। टाइम क्या हो गया, 2:30 हो चुके हैं और आंटी का अभी तक माल बिल्कुल, और सुबह 5 की मेहनत है, 4:30 आंटी घर से निकल के, तो वापस कब तक जाते हो आंटी? मैं आजकल बस के चक्कर में 5:30 निकलती थी, मैं 4:30 जाने का टाइम हो गया और खाना आधा भी नहीं निकला, खाना नहीं, अब बिकने वाला है। 200 की कमाई सुबह से अभी तक नहीं हुई है, 200 की हो गई आंटी, नहीं हुई मेरी कमाई। लागत कितनी लगी होगी आंटी? लागत मेरी लगी 250 की। बताओ 250 की लागत में 200 कमाया, सोचो क्या बचा है आंटी ने। हमसे जितना होगा हम आंटी की मदद करके जाएंगे और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आके मदद करो। ये मेरी दुकानदारी है और यही है, सब कुछ मेरा यही है, क्या करेंगे, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो आप हमें टेस्ट आंटी, हम आपके साथ है, आप टेंशन मत लेना, मतलब साथ तो सारे ही होते हैं ना, यही तो रोना है और कुछ भी रोना नहीं है। नहीं नहीं आंटी रो मत, होगा यार, इनकी हेल्प करो भाई जितनी कर सको। छोटा सा ठिकाना आप देख लो यार, कुछ भी नहीं है, पक्की जमीन थोड़ी ना, कभी भी पुलिस वाला कोई, वही है यार, 2-3 बार आंटी शिफ्ट कर चुकी है, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी है अभी तो कुछ भी। जैसे कि आपको बताया कि आंटी के बेटे भी काम नहीं कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, तो अकेले आंटी कमा रही है, अब देख लो 60 की उम्र में कोई इतना स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत करने के बाद अगर वो बंदा नहीं कमाएगा ना तो अंदर से ही लगता है कि सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाओ। नहीं आंटी आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वो मेहनत सफल नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। आंटी घर का टेस्ट बनाएगी पूरा देखना, जो मम्मी बनाती है रोटी चावल। कितने रुपए की आंटी है दाल पालक? पैसे बताओ। रोटी 4 की एक रोटी देखी और 20 का हाफ चावल। 4 की एक रोटी और 20 का हाफ चावल। हाँ 20 हाफ चावल, 20 का हाफ। अच्छा 20 की हाफ सब्जी, अगर पूरा लेंगे तो 40 का दाल चावल पड़ेगा और 4 की एक रोटी है। देख लो यार आप, जैसा आंटी का कोई इतना काम नहीं है यार, फिर भी रेट उन्होंने कोई हाई नहीं रखे हुए, 10-20 के चावल हैं, 20 की दाल है और 4 की रोटी है, वही नॉर्मल जो फ्राई होती है। बाकी ठीक है यार, टेस्ट करके देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे आंटी का खाना। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। खाओ भाई। अरे सेम मम्मी वाली दाल, जो मम्मी थोड़ा सा वो डाल देती है पालक, पूरा वही टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी खाना है, बहुत अच्छा बना रहे हो आंटी, बहुत अच्छी यार, मतलब इतनी मेहनत कर रही है आंटी, तो वीडियो को शेयर करो आंटी को, अच्छी रीच दिलाओ, मदद करो यहाँ पे आके, हमसे जितना होगा हम भी मदद करेंगे। तो हम आंटी को एक कुछ देना भी चाहते हैं, हम वो दे देते हैं आंटी को, चलो हम दिखाते हैं क्या देते हैं। पैसों से तो नहीं कर रहे पर हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग करो जितनी कर सको। हमने अभी आंटी को आटा दिया आशीर्वाद का 10 का, आंटी के यही काम आएगा ये, और आंटी हम आपको ना देते रहेंगे ऐसे, ठीक है, जितना हो मतलब सके काम करेंगे। आंटी के घर से बहुत दूर, आंटी की शॉप से बहुत दूर नहीं है, घर हमारा पास, हमारा पास में ही घर है, हम आते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, अभी हमारे लिए छोटा सा ये आपके लिए और ऐसे चलता रहेगा, तो आप टेंशन मत लेना, है आपके साथ, मैं उम्मीद करता हूँ और लोग भी जुड़ेंगे। ठीक है आंटी, तो खुश रहें आप, अपना घर चलाएं, हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, तो थैंक यू यार, ये थी आज की वीडियो हमारी, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और दिल से रिक्वेस्ट है कि जितनी शेयर करोगे देखो उतना आंटी का फायदा होगा, हमारे हमको एक बार नहीं चाहिए, आंटी को भला हो जाए बस, हम ये चाहते हैं। एक बार जगह देख लो यार कि आंटी क्या नीम के पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा के ऐसे आंटी बैठी हुई है, बारिश आ जाए तो कैसे करते हो, पड़े रहते हैं ऐसे ही और टूटी फूटी छतरी लगा लेते हैं, जब तक बारिश बंद नहीं हो ऐसे ही पड़े रहे भाई। सोचो कितना स्ट्रगल है भाई, 60 की आंटी कमा रही है, सोचो यार कितनी मेहनत करती है। और आप देख सकते हो इतनी देर हो गई हमें यहाँ पे, एक कस्टमर नहीं आया आंटी के पास, कस्टमर नहीं है आंटी के पास, सबसे मेन बात कस्टमर की बहुत दिक्कत है आंटी के पास। आओ यार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी हेल्प करो आंटी की। और मैं पेटीएम का नंबर सब कुछ दूंगा, एड्रेस तो मैंने आपको बता ही दिया, पास में डेसू ऑफिस है, दिल्ली जल बोर्ड है, यम का मेन आउटलेट जो बहुत में डाल देंगे, जितना भी आपको मतलब लिंक वर्क सब डाल देंगे। पेटीएम नंबर तो आपके सामने देखो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी पेटीएम पे आप जितना कर सको डोनेट, जितना 1, 5, 10 जो आपकी मर्जी। आंटी आप कुछ कहना चाहोगे? क्या बोल सकते हो, मेरा सुबह से तो मैं ऐसे बैठी होगी तो मैं क्या बोला, मेरे को तो रोने के सवार कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं आंटी रोना नहीं।
सुबह साढ़े चार बजे इंसान घर से आता, कुछ तो उसको होना चाहिए। कोई बात है ना आंटी, कोई बात नहीं, देर है, देर नहीं है, सब होगा। ठीक है यार, देखा आपने तो आज की वीडियो थोड़ी इमोशनल थी, इसलिए हम ज़्यादा भी उछल कूद नहीं करेंगे भाई। नहीं आंटी, आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे हम, कोशिश और शेयर मारना यार ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे को ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर चाहिए। मैं ये वीडियो डालूंगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।